मैनेजमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट है, इसी के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है और वो जो कॉन्सेप्ट है वो है कैश जनरेटिंग यूनिट्स का। तो हम उसको देखते हैं। द कॉन्सेप्ट वी हैव इज कैश जनरेटिंग यूनिट्स। ओके जी, इसको अमूमी तौर के ऊपर हम जिस नाम से पुकारते हैं वो है CGU। अब देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या और इसमें हमने इम्पेयरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ देखनी है। तो अमूमी तौर के ऊपर कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें इंडिविजुअल एसेट की कैरिंग अमाउंट या रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, आपकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, आपके पास सिर्फ बिल्डोज़र है, बाकी कोई कंक्रीट मिक्सचर नहीं है और उसके अलावा अदर मशीनरी नहीं है उसको लेवल करने के लिए, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ एसेट्स आपके पास होने चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इजंट इट। तो उस सूरत में होता यह है कि आप उन ग्रुप ऑफ एसेट्स को कंबाइन करने के बाद एक कैश फ्लो जनरेट करते हैं, इजंट इट, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा इस बेसिस के ऊपर कि आपके पास आपकी मशीनरी, आपके इक्विपमेंट्स, आपके गैजेट्स सारे कंप्लीट होने चाहिए। तो अमूमी तौर के ऊपर जो माइनिंग कंपनी होती हैं, जो एक्सट्रैक्शन करती हैं, वो मिनरल्स निकालती हैं, वो चार पांच जो मशीनरीज होती हैं वो कंबाइन होके ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। इसी तरह जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में ज़्यादातर आप पानी निकालने के लिए ज़मीन में से तो वो जो मशीन है वो यूज़ करते हैं, और आप जिसको कहते हैं जी हम बोर करवा रहे हैं, बोरिंग हो रही है, तो वो जो मशीन है उसके सेपरेट सेपरेट पार्ट्स हैं। अगर आपको पता है कि तो चार उसके जो हैं वो बड़े बड़े से पिलर्स होते हैं, फिर एक रोप होती है, फिर उसके साथ एक और ड्रम और छोटा सा लंबा सा अटैच होता है, वो ज़मीन में जाता है और वो मिट्टी निकालता है। अब इंडिविजुअली उनकी वैल्यू डिटरमिन करना इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन जब वो तमाम गैजेट्स कंबाइन हो जाते हैं तो फिर उनकी वैल्यू एक मशीन की डिटरमिन हो जाती है। तो उस सूरत में वो जो पूरी मशीन है वो इंडिविजुअली इस काबिल हो जाती है, जब उसके साथ तमाम गैजेट्स जुड़ जाते हैं, वो आपके लिए कैश फ्लो जनरेट करती है। और अगर आप कहें कि जब ना मेरे पास तो रस्सी नहीं है और मेरे पास तो सिर्फ वो चार पिलर्स हैं और मशीन है, और तो वो आपका कैश फ्लो जनरेट नहीं करेगी। तो CGU बेसिकली वही है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ, मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइएबल नॉन करंट एसेट which generates cash flows independent of other assets। तो उस सूरत में वो जो पूरा की पूरी मशीन है, जो चार पांच मशीनें हैं जो एक पूरा कैश फ्लो जनरेट करती हैं, अगर उसमें से एक भी मशीन गायब हो जाए तो आप नहीं कर पाएंगे अपने प्रोसेस को कंप्लीट। तो उन चार पांच मशीनों को एक ही एसेट कंसीडर किया जाता है और उस एसेट को आप कहते हैं दैट इज़ योर CGU। अब अगर CGU की इम्पेयरमेंट की बात करें हम, इम्पेयरमेंट ऑफ CGU, इसका कॉन्सेप्ट वही है कि अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU बिकम ग्रेटर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट, तो आपका CGU जो है वो इम्पेयर हो चुका है, देन इज इक्वल टू इम्पेयरमेंट। ठीक है, आपका CGU इम्पेयर हो चुका है। तो जो इम्पेयरमेंट एक्सपेंस है आपने उसको एक स्कीम के तहत CGU के अगेंस्ट चार्ज करना होगा। यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट बात लिख लेता हूँ, द इम्पेयरमेंट ऑफ
CGU charge to each asset in following way. अच्छा परेशान नहीं होना, मैं एक एग्जांपल करके आपके सामने बताऊंगा कि इम्पेयरमेंट CGU की कैसे होती है। जो मैं लिखने लगा हूँ इसको प्रैक्टिकली मैं आपके सामने डेमोंस्ट्रेट करूंगा। सबसे पहले अगर कोई स्पेसिफिकली एसेट इम्पेयर्ड हो चुका है CGU में, जैसे कि आप कहते हैं कि यार जो हमारा CGU है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है, तो इम्पेयरमेंट पहले टेक्नोलॉजी को चार्ज होगी। स्पेसिफिकली टू एनी एसेट जो कि मेंशन होगा, इन क्वेश्चन। अच्छा उसको चार्ज होने के बाद इम्पेयरमेंट गुडविल को चार्ज हो जाएगी। अगर कोई गुडविल है बिजनेस कम्बिनेशन या परचेज गुडविल है CGU की, इंटरनली जनरेटेड तो गुडविल होती भी नहीं है ना, आपने CGU परचेज किया हुआ है उसकी वो गुडविल है तो गुडविल को चार्ज हो जाएगा। अगर स्पेसिफिकली एसेट को चार्ज नहीं हो रही तो डायरेक्टली आप इम्पेयरमेंट गुडविल को चार्ज करेंगे, गुडविल रिवर्स हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। रिमेनिंग जो इम्पेयरमेंट अगर बचती है तो वो चार्ज होगी टू रिमेनिंग एसेट एज पर प्रोरेटा। तो वो रिमेनिंग एसेट को चार्ज हो जाएगी एज पर प्रोरेटा। प्रोरेटा से मुराद ये है प्रोपोर्शनल चार्ज। याद रखिएगा जो दूसरे नेट एसेट्स होंगे, अदर नेट एसेट्स से मुराद यहाँ पर है कैश, बैंक बैलेंस, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री इम्पेयरमेंट के स्कोप में नहीं आता क्योंकि हम इन्वेंट्री को ऑलरेडी इम्पेयर्ड कर चुके होते हैं कॉस्ट वर्सेस NRV विच एवर इज़ लो। अदर नेट एसेट्स, अच्छा इसको मैं ना सेपरेट लिख देता हूँ, अदर नेट एसेट्स वाली बात कि अदर नेट एसेट्स को डिफरेंट करके लिखता हूँ। अदर नेट एसेट्स आर नॉट डेल्ट विद इम्पेयरमेंट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो बाकी नेट एसेट्स होते हैं, रिसीवेबल्स हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होगी, ये तो ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर होती हैं तो इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेक सेंस? तो दे आर ऑलरेडी इन रिकवरेबल अमाउंट। ओके जी, अब मैं एग्जांपल लिखता हूँ और उसके ज़रिए जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं कि CGU की इम्पेयरमेंट कैसे होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एज्यूम करते हैं हमारे पास कैरिंग अमाउंट दी हुई है डिफरेंट एसेट्स की। एसेट्स दिए हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल मशीनरी है, फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं बिल्डिंग की जगह ना पहले मैं गुडविल कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। गुडविल है, मशीनरी है, प्लांट है, अदर नेट एसेट्स, इनकी कैरिंग अमाउंट दी हुई है। C.A का मतलब यहाँ पर कैरिंग अमाउंट है। गुडविल है 20,000 की, मशीनरी है 50,000 की, 30,000 का प्लांट है और 15,000 के नेट एसेट्स हैं। तो हम जो टोटल कैरिंग अमाउंट है वो निकाल लेते हैं इनकी, कि हमारे मुताबिक बैलेंस शीट में इनकी कैरिंग अमाउंट क्या है। देखें 20,000 जमा 50,000, 70,000 जमा 30,000 100,000 और 15,000 115,000। हमें सवाल में बताया हुआ है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU is $70,000। ठीक है, CGU की जो रिकवरेबल अमाउंट है वो है $70,000। हमें पता है कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन
रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट है आपकी 115,000, रिकवरेबल अमाउंट है आपकी 70,000, इसका मतलब है 45,000 की आपकी हो गई है इम्पेयरमेंट। ठीक है, अब इम्पेयरमेंट को सीरीज यू के अगेंस्ट कैसे चार्ज करना है देखिए। अब इम्पेयरमेंट एक्सपेंस और उसके बाद माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको कहेंगे इम्पेयर्ड अमाउंट। इम्पेयर्ड अमाउंट, ओके जी, हियर वी गो। सबसे पहले 45,000 की जो इम्पेयरमेंट है वो गुडविल को चार्ज होगी, गुडविल ज़ीरो करें जी। इम्पेयरमेंट एक्सपेंस पूरा का पूरा 20,000 गुडविल को चार्ज हो गया, गुडविल नहीं लोगी बैलेंस शीट में। अदर नेट एसेट्स को इम्पेयरमेंट चार्ज ही नहीं होती, जिसमें रिसीवेबल्स हैं, कैश है, बैंक है, एग्ज्यूम किया है। तो 45 में से 20 तो निकल गया जनाब, गुडविल ज़ीरो कर गया। उसके बाद कितना बच गया, 45 में से 20 निकल गया तो 25 बच गया। इसका मतलब है जो 25 की गुडविल है, 25 की इम्पेयरमेंट है, वो रिमेनिंग एसेट्स अदर द नेट एसेट्स चार्ज होगी। रिमेनिंग एसेट्स में कौन से हैं, मशीनरी और प्लांट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। अच्छा, इसको मैं अगर समझाने के लिए डिफरेंट एंगल यूज़ करूँ, सिर्फ समझाने के लिए देखिए, इज्यूम करते हैं एक मिस्टर मशीनरी है, उसने 50,000 इन्वेस्ट किया है, मिस्टर प्लांट है, उसने 30,000 इन्वेस्ट किया है, और 45,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मुझे बताएं ये 45,000 का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मिस्टर प्लांट और मिस्टर मशीनरी पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही है ना, यही रूल है ना। तो हम वेट निकाल लेते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम टोटल वेट की बात करेंगे, जो टोटल लेना है, प्लांट एंड मशीनरी हैं 50,000 + 30,000, ये हो गया 80,000। अगर सबसे पहले हम बात करें मशीनरी की, तो टोटल जो प्लांट एंड मशीनरी 80,000 है, उसमें से मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 50,000। वेट निकालना हो तो 50 को डिवाइड कर देंगे 80,000 से, तो 0.625 आएगा। तो इम्पेयरमेंट जो पीछे बची पड़ी है ना, कितनी, 20,000 गुडविल को चार्ज होगी, पीछे कितनी बची पड़ी है, 25,000। उस 25,000 का 0.625% या 0.625 जो है वो आपका चला जाएगा मशीन में, मल्टीप्लाई करें इसको 25 से, वो बनता है 15,625। इसका मतलब जो मशीनरी है उसमें से 15,625 माइनस कर देंगे इम्पेयरमेंट का, पीछे अमाउंट बचेगी कितनी, 34,375। अब हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट मशीनरी के वेट में कितना है, 50,000, 30,000, और प्लांट का वेट बनता है 30 को डिवाइड करेंगे 80 के साथ, 30,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ये बनता है 0.375। 25,000 से मल्टीप्लाई करें इसको, अल्टीमेटली 9375 शेयर इम्पेयरमेंट का चला जाएगा किसको, प्लांट को। मेक सेंस? और अगर 30 में से हम ये निकाल दें तो पीछे बचता है 20,625। अदर नेट एसेट इम्पेयर ही नहीं हुए तो वो एज इट इज़ 15 के 15 से आपको दिख रहे होंगे। मेक सेंस? और अगर हम इसका टोटल मारें तो 34,375 + 20,625, 34,375 फिर 15,000, इसका मतलब है अब एसेट आपके 70 के हो गए। और अगर टोटल इम्पेयरमेंट एक्सपेंस हम टोटल मारें इसका 20,000 + 15,625 + 9375, तो वो अगर आप देखें तो वो 45,000 बनता है। मेक सेंस? तो आप ख़ुद गौर करें, 115 का एसेट जो था वो इम्पेयर्ड होने के पास 70,000 के ऊपर आ गया, और अल्टीमेटली 70,000 के ऊपर जब वो आ गया है तो 45,000 की इम्पेयरमेंट हुई है। अगर मैं इसकी जनरल एंट्रीज आपको पास करना सिखाऊं,
तो आप इम्पेयरमेंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 45,000 से, गुडविल को क्रेडिट करेंगे सबसे पहले कितने से, 20,000 से जितने की गुडविल थी, फिर मशीनरी को 15,625 से क्रेडिट करेंगे, और फिर आपके पास प्लांट बचता है 9,375। तो इस तरह आप ये जर्नल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड कर देंगे। मेक सेंस? जो 45 बनता है। ये था जी सी जी यू की इम्पेयरमेंट। थैंक यू सो मच।